हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम ASOM यानी कि एक्यूट सुपीरियरिटी ओटाइटिस मीडिया के मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके पहले के दो वीडियो थे हमारे, ये हमारा थर्ड पार्ट है ASOM के ऊपर। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने ये डेफिनेशन, एटियोलॉजी, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स एंड बैक्टीरियोलॉजी के बारे में देखा था। पार्ट टू के अंदर हमने पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स देखे हैं, एंड अब ये पार्ट थ्री है जिसके अंदर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें किसी भी डिसीज़ का मैनेजमेंट पूछे तो मैनेजमेंट के अंदर हमें दो चीज़ें बतानी होती है ना। मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा तो कि इन्वेस्टिगेशन हम कौन सी कराने वाले हैं वो भी आएगा, एंड फिर हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे वो आएगा, ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी कराने वाले हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे तो कि हम उसकी हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री लेने के बाद हम क्या करेंगे तो कि एग्जामिनेशन करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहला वही आता है कि भाई हम उसके ईयर का एग्जामिनेशन करेंगे ऑटोस्कोप की मदद से। तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, वो आता है ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग्स। ठीक है, ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम करवाने वाले हैं एक्सरे, एंड थर्ड नंबर पे हम करेंगे ट्यूनिंग फोक टेस्ट। ट्यूनिंग फोक टेस्ट, तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन। तो अब जो ये ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग्स है उसके अंदर क्या क्या होने वाला है तो कि अगर वो पेशेंट हमारे पास आएगा जो वो जल्दी आ गया होगा, मतलब कि अभी उसका डिसीज के जो स्टेज देखे थे उसमें से अभी वो स्टार्टिंग के स्टेज के अंदर हो गए, तो अर्ली स्टेज के अंदर वो हमारे पास आएगा तो हमें उसके ईयर के अंदर क्या देखने को मिलेगा तो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होगा वो कंजेस्टेड, कार्ट व्हील अपीयरेंस एंड लॉस ऑफ राइट रिफ्लेक्स। अब ये क्या है तो कि हमने इससे पहले के वीडियो के अंदर ये जो स्टेज देखे थे ना, तो स्टेज के अंदर क्या है कि ये हमने फाइव स्टेज देखे थे लास्ट वीडियो के अंदर। तो अभी ये अर्ली स्टेज हुए ना, ये फाइव स्टेज थे, तो ये स्टार्टिंग के स्टेज के अंदर वो पेशेंट हमारे पास आ गया है। तो इस स्टेज के अंदर हमने क्या देखा था तो कि भाई यहाँ पे फर्स्ट स्टेज के अंदर रिट्रैक्शन हो रहा है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, एंड ये जो स्टेज है यहाँ पे कंजेशन हो रहा है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का। तो अगर ये स्टेज के अंदर पेशेंट हमारे पास आ गया है तो हमें कंजेशन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का या रिट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ हमने स्पेसिफिकली अर्ली स्टेज के अंदर इसकी बात की है क्योंकि इस फर्स्ट स्टेज के अंदर जनरली पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसके ईयर के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी स्टार्ट हुई है। ठीक है, बहुत माइल्ड ईयर एक होता है, फीवर नहीं होता, बट फीवर ईयर एक थोड़ा ज़्यादा होना, डेफनेस थोड़ी ज़्यादा होना, ये इस स्टेज के अंदर स्टार्ट होता है, सेकेंड स्टेज के अंदर। तो जनरली पेशेंट सेकेंड स्टेज के अंदर हमारे पास आते हैं। तो इस स्टेज के अंदर वो पेशेंट आएगा हमारे पास तो ये अर्ली स्टेज ही हुआ ना, क्योंकि इसमें तो पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा है कि उसको कुछ हो रहा है। यहाँ इस स्टेज में अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होएगा उसको ईयर के अंदर पेन होना, तो ये अर्ली स्टेज हुआ ना, ये दोनों अर्ली स्टेज ही हुए, बट हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का कंजेशन, फिर हमने यहाँ पे देखा था कि साइंस के अंदर कार्टव्हील अपीयरेंस देखने को मिलता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, तो वो वही सब हमने यहाँ पे लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन हम जो करेंगे तो हमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो कंजेस्टेड है वो देखने को मिलेगा, कार्टव्हील अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर ये जो लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो गया है, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो गया है इस स्टेज के अंदर, फर्स्ट स्टेज के अंदर, तो इस स्टेज के अंदर भी लाइट रिफ्लेक्स लॉस ही होगा, तो वो ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग के अर्ली स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलेगा। एंड अर्ली स्टेज के अंदर पेशेंट हमारे पास नहीं आया, एंड वो हमारे पास लेट स्टेज में आया, तो हमें क्या देखने को मिलेगा तो लेट स्टेज ये सब वाले हैं। तो इनमें से कोई स्टेज के अंदर पेशेंट हमारे पास आया तो हमें क्या देखने को मिलेगा तो कि उस स्टेज के अंदर हमने क्या पढ़ा था पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स के अंदर कि भाई टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बल्ज होना स्टार्ट हो रहा है, तो वही यहाँ पे है कि बल्जिंग ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने देखा था कि भाई येलो स्पॉट दिखेगा हमको पस का, तो वही है, येलो स्पॉट दिखेगा।
पर्पस का, ठीक है, मतलब कि अभी यहाँ से रप्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए, ठीक है। अगर अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गया होगा, ये फोर्थ स्टेज के अंदर हमने देखा था ना कि भाई अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गया होगा तो हमने हमको एक्सटर्नल ऑल्टरी कैनाल के अंदर डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पे हम सब लिख सकते हैं कि कौन से स्टेज के अंदर पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप इन्वेस्ट, अगर आपको स्पेसिफिकली मैनेजमेंट ही पूछ रहे हैं ना ASOM का, तो आप स्पेसिफिकली स्टेज वाइज लिख सकते हैं कि भाई स्टेज ऑफ सुपुरेशन के अंदर ये देखने को मिलेगा, हम जब ऑटोस्कोप से एग्जामिनेशन करेंगे तो इस स्टेज के अंदर ये देखने को मिलेगा, ठीक है, उस तरह से। एंड अगर परफोरेशन हो गया है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, तो परफोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलेगा, वही सब है। तो ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग्स के बाद हम देखते हैं अब सेकेंड नंबर पे जो है एक्सरे, वो तो एक्सरे के अंदर हम कौन सा व्यू करवाते हैं, तो हम शुलर्स व्यू करवाते हैं, ठीक है। तो इस व्यू के अंदर हमें एक्सरे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो कि जो मैस्टोइड एयर सेल है वो उसका क्लाउडिंग देखने को मिलेगा एक्सुडेट्स की वजह से, ठीक है, मैस्टोइड एयर सेल्स का क्लाउडिंग। और ये क्लाउडिंग क्यों देखने को मिलेगा, तो कि ड्यू टू एक्सुडेट। तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक्सरे की बात। अब है कि ट्यूनिंग फोक टेस्ट, तो ट्यूनिंग फोक टेस्ट के बारे में भी हमें, जो ट्यूनिंग फोक टेस्ट के अंदर हमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस है ऐसा देखने को मिलेगा, तो आप ट्यूनिंग फोक टेस्ट यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख सकते हैं कि कौन से टेस्ट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, मतलब कि क्या, तो कि यहाँ पे हम ट्यूनिंग फोक टेस्ट के अंदर कंडक्टिव हियरिंग लॉस कब बोलते हैं, तो कि अगर हम रीनेस टेस्ट करेंगे तो हमें बोन कंडक्शन इज ग्रेटर देन एयर कंडक्शन देखने को मिलेगा, उसका मतलब होता है ना CHL, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। फिर अगर उसके बाद हम वेबर्स टेस्ट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो कि जो लेटराइजेशन है उस टेस्ट का वो अफेक्टेड ईयर के साइड होता है ना, तो अगर पेशेंट को राइट साइड के अंदर डिसीज है तो वेबर किस साइड लेटरलाइज होगी, तो कि राइट साइड, ठीक है। एंड फिर अगर हम ABC करेंगे, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट, तो उसके अंदर क्या होगा, तो कि नॉर्मल, अगर कोई पेशेंट नॉर्मल है उसके अंदर, एंड जो पेशेंट CHL वाला है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस वाला, उन दोनों के अंदर ABC जो एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट है वो पेशेंट एंड एग्जामिनर दोनों के लिए सेम होती है ना, तो वो हम स्पेसिफिकली यहाँ पे अलग अलग से टेस्ट वाइज लिख सकते हैं। एंड अगर आपको पूरा क्वेश्चन आ रहा है, पूरा क्वेश्चन ASOM का, तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे उस टाइम, एग्ज़ाम के टाइम आपके पास जितना टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमने बात कर ली इन्वेस्टिगेशंस की, कि ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग्स, एक्सरे एंड ट्यूनिंग फोक टेस्ट। तो मैनेजमेंट के अंदर इन्वेस्टिगेशंस हमने देख ली है, अब इसके बाद हमें पता चल गया है कि भाई ASOM है तो उसको हमें ट्रीट कैसे करना है, उस ट्रीटमेंट के बारे में हम देखते हैं। तो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहला हमें क्या करना है, तो कि हमें उसको एंटीबैक्टीरियल थेरापी देनी है, ठीक है। हमने स्टेज के अंदर देखा था कि भाई पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी अक्यूमुलेट हो जाते हैं मिडल ईयर के अंदर, तो हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा ना, तो एंटीबैक्टीरियल थेरापी, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल थेरापी के अंदर हम क्या देंगे उसको, तो कि जनरली हम एम्पीसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन, इसमें से कोई एक देते हैं, तो अगर हम एम्पीसिलिन दे रहे हैं तो उसका डोज अगर आपको जानना हो तो 50 mg/kg/day इतना डोज है उसका। एंड अगर आपको एमोक्सिसिलिन देनी हो तो उसका डोज कितना है, तो कि 40 mg/kg/day, ठीक है। एंड अगर इन दोनों की एलर्जी है पेशेंट को तो हम सेफेलोस्पोरिन्स और इरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। एंड ये जो एंटीबैक्टीरियल थेरापी है, ये जो एंटीबायोटिक्स है, वो हमें कब तक देनी है, तो कि मिनिमम हमें 10 days के लिए तो देनी ही है, ठीक है। एंड 10 days के बाद भी अगर उसको ठीक नहीं हो रहा है तो आप दे सकते हैं, बट मिनिमम इतने दिनों के लिए तो आपको देने ही है।
एंड जब तो 10 डेज के बाद देखना है कि भाई उसका हियरिंग नॉर्मल हो रहा है या नहीं, उसका जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर जो चेंजेस थे वो नॉर्मल हुए हैं या नहीं, ठीक है, बल्जिंग जो हो रहा था, रिट्रैक्शन या जो भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस थे वो नॉर्मल हुए हैं या नहीं, वो देखने हैं 10 डेज के बाद, ठीक है। तो ये फर्स्ट बात कर ली हमने एंटीबैक्टीरियल थेरापी की। उसके बाद सेकेंड नंबर पर हम देखते हैं कि नेजल डीकंजेस्टेंट्स, नेजल डीकंजेस्टेंट। अब ये क्या करेंगे, ये हम देंगे तो वो क्या करने वाले हैं, तो कि जो यूस्टेशियन ट्यूब के अंदर जो इडिमा होगा उसको रिलीव करेंगे एंड मिडिल ईयर के अंदर जो वेंटिलेशन होगा उसको ठीक करेंगे, ठीक है। जनरली क्या हो रहा था तो कि भाई ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है यहाँ पे इडिमा एंड हाइपरेमिया ये सब हो गया था, उसकी वजह से ये ब्लॉक हो रहा था, तो इसको ठीक करेंगे तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन था वो चला जाएगा, तो उस फिर क्या होगा तो कि मिडिल ईयर का वेंटिलेशन है जो वो अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं, तो कि हम एपिनेफ्रिन दे सकते हैं, या फिर हम ऑक्सीमेटाजोलिन और ज़ाइलोमेटाजोलिन भी दे सकते हैं, ऑक्सीमेटाजोलिन एंड ज़ाइलोमेटाजोलिन, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने नेजल डीकंजेस्टेंट। अब उसके बाद क्या है कि उस इंसान को पेन भी हो रहा होगा, उसके ईयर के अंदर ईयर एक हो रहा होगा, उसको फीवर भी होगा, तो उसके लिए हमें एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स भी देनी है, तो इसके अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं, तो कि हम पैरासीटामोल दे सकते हैं, एस्पिरिन दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमें क्या करना है, तो कि ईयर टॉयलेटिंग करना है, मतलब उसके ईयर को साफ करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर उसका जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गया होगा, तो डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा एक्सटर्नल ऑल्टरी कैनाल के अंदर, तो वो हमें साफ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई अगर बहुत सारा पस है उसके अंदर, मिडल ईयर के अंदर बहुत सारा पस है एंड ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो बहुत बल्ज हो गया है एंड रप्चर होने के चांसेस है मैक्सिमम, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई ये कभी भी रप्चर हो सकता है, तो हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर सर्जिकली ब्लैंड इंसिजन लगाएंगे छोटा सा, उसे मायरिंगोटोमी बोलते हैं। मायरिंगोटोमी के बारे में डिटेल में हम एक वीडियो अपलोड करेंगे इसके बाद ही। तो मायरिंगोटोमी के अंदर क्या करते हैं, तो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर सर्जिकली प्लान इंसिशन लगाते हैं छोटा सा, जिसकी वजह से क्या होगा तो कि पस बाहर निकल जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि भाई वैसे तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर होने ही वाला है, टूटने ही वाला है एंड पस बाहर निकलने ही वाला है, तो हमें उसे तोड़ने की क्या ज़रूरत है। तो क्या होता है कि ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अपने आप जब रप्चर होगा तो वो बहुत ज़्यादा रप्चर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है एंड जो रप्चर होगा उसकी जो एजिस होगी वो इस तरह से होगी कि भाई वो बाद में ठीक से हील ना हो पाए। इस सबसे अच्छा है कि हम थोड़ा सा इंसिजन, थोड़ा सा कट लगा दें जिसकी वजह से वो सब पस अच्छे से बाहर हो जाए एंड हम जो ये कट लगाने वाले हैं वो अपने आप हील भी हो जाता है कभी कभी, कभी कभी नहीं मोस्टली हील हो जाता है। तो मायरिंगोटोमी फिफ्थ नंबर पर है। ठीक है, एंड मायरिंगोटोमी के इंडिकेशन क्या है, मतलब कि इस केस के अंदर कब हमें मायरिंगोटोमी करनी है, तो इसके इंडिकेशन हम देख लेते हैं। मायरिंगोटोमी के इंडिकेशंस, तो इसमें सबसे पहला है बल्जिंग ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कॉजेस एक्यूट पेन, मतलब कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का बल्ज है एंड उसकी वजह से उस पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो फिर क्या है कि हम ये सब ट्रीटमेंट दे रहे हैं एंड इस ट्रीटमेंट के बाद भी अगर उस पेशेंट को कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है तो इनकम्प्लीट रिजोल्यूशन इवन आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है।
ठीक नहीं हो रहा है तो। इसके बाद क्या है कि परसिस्टेंट इफ्यूजन आफ्टर 12 वीक, मतलब कि हमने 12 वीक तक उसको एंटीबैक्टीरियल थेरापी ये सब दवाई आदि, बट ठीक नहीं हो रहा है, उसके अंदर से जो पस था वो अभी प्रेजेंट ही है, ये सब कुछ है तो ये बात कर ली हमने ट्रीटमेंट की, एंटीबैक्टीरियल थेरापी, नेजल डीकंजेस्टेंट, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग्स, ईयर टॉयलेटिंग एंड मायरिंगोटोमी एंड उसके इंडिकेशन। तो ये बात हो गई कि हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इससे पहले हमने इसका मैनेजमेंट भी देख लिया है, मतलब कि ये मैनेजमेंट हमने देख लिया है, इन्वेस्टिगेशन देख ली, मैनेजमेंट के अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन देख ली, ट्रीटमेंट देख ली, ठीक है। तो ये ASOM के अंदर थर्ड पार्ट के अंदर हमने इसका मैनेजमेंट देख लिया है। तो ASOM यहाँ पे ख़त्म होता है, ये लास्ट पार्ट था थर्ड। एंड आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।